जैसे ही लगाया ऑटोमेटिकली 500, जैसे ही लगाया ऑटोमेटिकली 0.50, 0.49, ये दो डिजिट देखेगा, आखिरी डिजिट को रहन दीजिए। तो ये हमारी जो मेन बुटिंग है, ये 00 होने क्योंकि लगाया जस्ट। देखो मैं फिर से दिखाता हूं, मैंने निकाला, मैंने कोई पावर की नहीं दवाई रखी है, पावर की तो नीचे ऑलरेडी आपको सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो आके सीखे। तो देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप ले रहा है, और हालांकि ये सेट ऑन है। अब मैं पावर की दबाऊंगा, सो देखिए बूट बढ़ गया है, जो आपका जो यहाँ पे करंट एम्पियर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। ये सेट अब ऑन हो गया है, ये सेट ऑन है, इस सेट में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लीकेज है। मैं आपको ये सेट यहाँ आपको दिखाता हूं किस तरीके से इसका लीकेज हम निकाल सकते हैं, कैसे ढूंढा हमने। सो देखिएगा थर्मल कैमरा कैसे, देखिएगा तो ये हमने लगा के रखा हुआ है। देखिए हमारा लीकेज निकल चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शुरू से हमने पहले वो दो कैपेसिटर निकाले, फिर हमने उनको चेक किया कि वो कौन से कैपेसिटर हैं, क्या लाइन है, हमें पता चला वो VCC लाइन है। वो निकालने के बाद भी नहीं हुआ तो हमने वाईफाई AC को निकाला। अब वाईफाई AC यहाँ पर बहुत से लोगों के दिमाग में होगा, क्या AC को रिवॉल्व करके डालेंगे या क्या होगा, AC को रिवॉल्व करके डालेंगे तो फिर से लीकेज आए, जो लीकेज हो रहा था वो वाईफाई AC हो रहा था। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हमको यहाँ पर वाईफाई भी लगा कि कॉपर में आप। हाय दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत अग्रवाल है और आज मैं आपको एक आईफोन से इसमें लीकेज है, हाफ शॉर्टिंग है इस फोन में। एक्चुअली क्या है, ये हमारे एक स्टूडेंट का फोन है, जो वो हमें जो स्टूडेंट जो डेड फोन आईफोन के लाते हैं तो वो हमें दे देते हैं बनाने के लिए। इस फोन में उसने बहुत दुकानों में दिखाया है और इसमें लीकेज है, मतलब उसकी बैटरी रनिंग स्तर पे उतर रही है। तो बेसिकली मैंने इसमें चेक किया, इसमें VCC शॉर्ट नहीं है, तो इसमें क्या फॉल्ट है, तो इसको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग किया ये मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि जो मैं फॉल्ट फाइंडिंग आपको दिखा रहा हूँ उसके भी कई अलग वे हैं, ये मत सोचिएगा सिर्फ इसी तरीके से है। हम आपको 5 सेकंड में फॉल्ट फाइंडिंग निकालना सिखा सकते हैं और हम आपको इसकी दूसरी मेथड से भी फॉल्ट फाइंडिंग निकालना सिखा सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और ज्वाइन एशिया टेलीकॉम आईफोन ट्रेनिंग अगर आपने करना है। 15 दिन का कोर्स है, CPU लेवल का है, 15 दिन में सिर्फ CPU, 5 दिन में हम एक CPU पर काम कराएंगे। आप सोचिए 3 CPU आप 15 दिन में करेंगे, मास्टर होकर जाएंगे। मेरी 3 out of 5 की गारंटी है कि मैं आपको 3 CPU का स्वैपिंग तो सिखा के ही भेजूंगा, ताकि आप दुकान पर जाके कस्टमर का डाटा रिकवर करें। उसके डेड फोन में 5,000 से 10,000 रुपए जो रिकवरी होती है CPU के साथ स्वैपिंग करने में, वो अलग ही एक मजा है, अलग ही एक नशा है। और अगर आपको आईफोन का बेसिक कोर्स नहीं आता है तो आप बेसिक कोर्स कीजिए, वो भी अब 15 दिन का है और दोनों है हमारे पास और सबसे कम फीस में है। जो इंडिया में ले रहे हैं 60-70-80 हजार, 15 दिन में पूरा सिखाने की बातें करते हैं या 20 दिन में पूरा सिखाने की बातें करते हैं या 25 दिन में, तो आप खुद सोचिए कि अगर आप अपनी थाली में चावल पर दाल और पूरा रायता और सब बिगोड़ के आप खाएं तो आपको मजा नहीं आएगा। रीजन यही होता है दोस्तों, स्टूडेंट पूरा कोर्स करने के लिए 1 महीने में जाता है, और ये जो एक हाई लेवल के कोर्स होते हैं, एंड्रॉइड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कीपैड की बात नहीं कर रहा हूं, एंड्रॉइड में EMC हम, एंड्रॉइड में भी EMC हम तभी देते हैं जब हम पूरा एंड्रॉइड सिखा देते हैं, उसके बाद हम EMC देते हैं। बट आईफोन में बेसिक टू एडवांस पहले आपने छोटी छोटी IC को रिवॉल्व करना। आप सोचिए एक CPU को रिवॉल्व करने में मुश्किल से 1 दिन या 2, कई स्टूडेंट को जैसे कई जो वीक होते हैं उनमें 2 दिन लग जाते हैं, 2 दिन तो रिवॉल्व करने में लग जाते हैं, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वीक है। इसको तर्क मत लीजिए, इसको तर्क पर मत लेना और ये मत कहना कि नहीं मेरे यहाँ तो मेरे स्टूडेंट सिर्फ 1 घंटे में रिवॉल्व करने सीख जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको काफी टाइम लग जाता है, तो हम सभी तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो हर स्टूडेंट को बिल्कुल यही मानता हूँ, बिल्कुल 0 से हीरो बनाने का काम हमें यहाँ पे करना है। चलिए ठीक है, आइए देखिएगा आईफोन से सेस लीकेज किस तरीके से उसको बनाए। सो हम यहाँ यूज कर रहे हैं थर्मल कैमरा, जैसे कि आप देख रहे हैं फुटेज, ये मैंने यहाँ पर फोन को खोल कर रखा हुआ है। पावर सेक्शन का यहाँ पे एरिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से हमने शॉर्टिंग डिटेक्ट की है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ लीकेज कैसे है, थोड़ा सा यहाँ पे आइए। देखिए बूटिंग सीक्वेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने 4 वोल्टेज और 5 एम्पीयर पे रखा हुआ है,
ये आपने देख लिया, हमने काइंडली का आई पावर मैक्स हम यूज कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर सीसेस का केबल लगाता हूँ और केबल लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें क्या बूटिंग सिक्वेंस आ रहा है इसका। ये देखिए, जैसी लगाया ऑटोमेटिकली 500, जैसी लगाया ऑटोमेटिकली 0.50, 0.49, ये दो डिजिट देखिएगा, आखिरी डिजिट को रहने दीजिए। तो ये हमारी जो मेन बूटिंग है ये 00 होने, क्योंकि लगाया जस्ट, देखो मैं फिर से दिखाता हूं, मैंने निकाला, मैंने कोई पावर की नहीं दवाई रखी है, पावर की तो नीचे ऑलरेडी आपको सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो आके सीखे। तो देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप ले रहा है, और हालांकि ये सेट ऑन है, अब मैं पावर की दबाऊंगा। सो देखिए बूट बढ़ गया है, जो आपका जो यहाँ पे करंट एम्पियर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, ये सेट अब ऑन हो गया है, ये सेट ऑन है, इस सेट में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लीकेज है। मैं आपको ये सेट यहाँ आपको दिखाता हूं किस तरीके से इसका लीकेज हम निकाल सकते हैं, कैसे ढूंढा हमने। सो देखिएगा थर्मल कैमरा कैसे यूज करना है, अभी भी यही चीज मैं थर्मल कैमरे में दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा हम इसको टेम्परेचर को लेट डाउन होने देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर कम होगा तो आपको थोड़ा, देखिए आप जैसे धीरे धीरे देख रहे हो कि यहाँ पे कलर कम होता जा रहा है, मतलब टेम्परेचर गिर रहा है थोड़ा सा। सो टेम्परेचर देखिए, तो ये बिल्कुल हम इसको कलर को बिल्कुल कम रखते चलते हैं, टेम्परेचर को बिल्कुल कम करते हैं। ये हमने उसको ऑटो से मैन्युअली किया हुआ, नहीं तो ऑटो में ऐसा रहता है, जैसे देखिए मैं अभी मैन्युअली कर दिया, अब जैसे कि आप देख रहे हो, अब मैं यहाँ पर जैसे ही पावर ऑन दबाऊंगा, देखिए अब वहां देखिए, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दिया, देखिए वाईफाई आईसी के बगल में ये जो दो कैपेसिटर है, मैं आपको थोड़ा सा एरिया आपको, ये देखिए, तो मेन जो सॉर्टिंग है हमारी, पहले ये दो कैपेसिटर में हम चेक करेंगे, और ये कैपेसिटर के बाद में फिर हम इस आईसी पर ही जाएंगे, क्योंकि तो अगर मैं इस एरिया को छोटा करूं यहाँ पर, देखिए नोटिस कीजिए, और ये जो एरिया देखो, ये कैपेसिटर जो है, ये जो कैपेसिटर है इसकी वजह से ये पूरा एरिया हीट हो रहा है। तो अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें कि ये कौन सा कैपेसिटर है, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये कौन से लाइन के कैपेसिटर हैं, कितना वोल्टेज इस पे आ रहा है, तो एक्चुअली कितना वोल्टेज खा रहा है, क्योंकि अगर हमें ये पता चलता है तो हम डीएसओ से यूज कर सकते हैं, जो हमारी डीसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रही है। सो डीएसओ, जैसे कि आपने नाम नहीं सुना होगा सीआरओ डीएसओ, जैसे ऑस्किलोस्कोप आपने सुना होगा, सो वो आपको हम ट्रेनिंग यहाँ देंगे। देखिएगा आईफोन पे ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं आईफोन 6s, देखिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आईफोन 6s का ये बूट लीकेज मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, ये कुछ चाइनीज लोगों ने अपना डाला हुआ है कि बूट लीकेज पे क्या एम्पियर यहाँ पे शो कर सकता है, सारी चीज बता, ये सारा बता रहे हैं कि कौन कौन से कैपेसिटर है जहाँ पे लीकेज हो सकता है, तो सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, और ये चाइनीज है मेथड है, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे यूएमटी के बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड आते हैं, जैसे कि बता रहे किस किस तरीके से लीकेज हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए डैमेज भी आपको आ सकते हैं, सीसेस का बोर्ड है पर्टिकुलर हम ओपन कर रहे हैं। तो ये हमारा वाईफाई आईसी है, और ये जो हमारा कैपेसिटर है वो ये दो कैपेसिटर है, और ये रेफरेंस कैपेसिटर है। सो अगर मैं ये चेक करूंगा, ये जो कैपेसिटर है और ये यहाँ पर मेन पावर सप्लाई, देखिएगा यही कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि ये वीसीसी मेन के साथ जुड़े हुए हैं। सो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन कैपेसिटर को आप निकाल रहे हो। सो इन कैपेसिटर को निकाल कर हम अपने सेट को ऑन कर सकते हैं और चला सकते हैं, हमें इन कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। फिर भी एक जो सही टेक्नीशियन है वो अपने वो कैपेसिटर को भी लगाएगा। तो ये मेन वीसीसी के जो कैपेसिटर है, और ये जो वाईफाई में आपको 35 और 36 की पिन पे जा रहे हैं, जिस पर तो यहाँ पर हम इनको चेक करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं वीसीसी, और यही रीजन है कि यहाँ पर हमको हाफ शॉर्टिंग शो हो रही है। सो ये कैपेसिटर्स को हम निकालते हैं, सो ये दो कैपेसिटर में से कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, तो हम जल्दी एक कैपेसिटर को निकालेंगे और फिर चेक करेंगे, फिर नहीं तो हम दूसरा निकालेंगे। सो देखिएगा किस तरह से हम कर रहे हैं उसको। Oh,
यहाँ ऊपर देखा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने दो वो कंपोनेंट निकाल दिए जैसे कि आपने देखा, और अब हम इस सेट को एक बार डीसी से लगा के देखते हैं क्या अगर इसमें वाकई में फिर से अगर ये प्रॉब्लम जा रही है वीसीसी लाइन, क्योंकि पहले तो वही दो कंपोनेंट है जो हमें लग रहे थे कि वो शॉर्ट होंगे। सो अभी ये सेट मेरे हिसाब से जैसे ही डायरेक्ट लगाऊं पावर नहीं लेना चाहिए। अभी भी शॉर्ट ले रहा है, इसका मतलब अभी भी लीकेज है। सो अब एक बार फिर से चेक करेंगे कि हमारा लीकेज किधर है। तो दोस्तों जैसे कि देखा हमने यहाँ पे कैपेसिटर निकाले हैं और वापस हमने इसको लगाया, और लगाने के बाद में यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है पर इंटरेस्टिंग। देखिएगा हमने लगाया, और वो जो मेन हमारे वीसीसी के जो कैपेसिटर थे, तो पहले तो हम ये समझ गए हमारे सर्किट के नॉलेज से कि वो कैपेसिटर वीसीसी के। सो ज्यादातर अभी क्या फॉल्ट इसमें गया है तो इसमें हम चेक करेंगे। तो अब ये देखिए, ये जो शॉर्टिंग हो रही है यहाँ पर अभी भी ये लाइन शॉर्ट हो रही है, मतलब ये वाईफाई इसको शॉर्ट कर रही है। सो एक बार वाईफाई को निकालते देखते हैं क्या इसमें मसले आते हैं और क्या नहीं आते। तो चलिए देखते हैं, आइए वाईफाई को निकालते हैं और देखेंगे। मैं आपको बता दूं अगर वाईफाई निकालने के बाद शॉर्टिंग हट गई है तो वाईफाई को डायरेक्ट चेंज हम नहीं कर सकते हैं 6S में। जितने भी जो टेक्नीशियन है वो जानते होंगे मेरी बात, टेक्निकली समझ रहे होंगे, पर जो नवे हैं, जो नॉन ऑलरेडी जो द पर्सन हु इज न्यू इन दिस फील्ड, सो अभी उनको नहीं पता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते 6S के बाद सीधे वाईफाई इसी को निकाला, लगाया और कस्टमर को दे दिया, क्योंकि वाईफाई लॉक होती है, नैंड से प्रोग्रामिंग करनी होती है, तब जाके वाईफाई आईसी का काम होता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं वाईफाई आईसी को निकालता हूँ, और ये जी तो देखिए स्टूडेंट, ये मेरा वाईफाई आईसी है और नीचे हमने प्रोटेक्शन यूज किए हुए हैं। सेफली तरीके से वाईफाई आईसी को हम we'll be right back.
SM, कौन सी VCC, VREG, VDD, VSYS, क्या सप्लाई जा, I2C, I2S, क्या सप्लाई, HD, HCL, क्या सप्लाई है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, GR होते हैं, आपके वोल्टेज होते हैं, वूजिंग कहाँ जरूरत है, ZX कहाँ जरूरत है, तो ये सारी चीज है दोस्तों। अभी मैं बता देता हूँ कि अभी मैं इस समय अपने इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ, वाईफाई मेरा पर्सनल एक काम करने का एक हमारा लैब है, और अभी मैं बता देता हूँ कितने बज रहे हैं, टाइम दिखाइए यहाँ पर करंट में, यहाँ पर टाइम दिखाइए कितने बज रहे हैं, मीन ये वीडियो बनाने का कितने बज रहे हैं अभी यहाँ पर, लीकेज निकालना है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखिएगा, 12 दिखा दो टाइम, 11:58 अभी 12 बज रहे हैं रात के, थोड़ा सा मुझे दिखाओ, अभी 12 बज रहे हैं रात के, और ये रीजन है कि इतने टाइम पे काम करते हैं, पर जब मैं स्टूडेंट को ये बोलता हूँ को चेंज करना होगा, मैं अभी इसलिए नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया और ये लीकेज का था, आपको रात में एक अच्छी वाईफाई को अगर मैं डाल देता हूं, अगर जुनून होगा अंदर ये मेरे वाईफाई इनेबल नहीं होगा, क्योंकि जो इसका वाईफाई होता है सिर्फ एस के बाद अच्छा काम करना है, तो आईफोन ट्रेनिंग शुरू कीजिए, हमारे यहाँ 15 फरवरी का बैच है, प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, फिर हमें नया वाईफाई बस एक पूरा वीडियो बनाया, एक और वीडियो बनाएंगे, इसको फोन को चालू करके दिखाना करेंगे और आपके लिए, ताकि आपको एक अच्छी चीज मिल सके, थैंक यू वेरी मच। देखिएगा इस फोन को यहाँ पे मैं आपको चालू करके दिखा रहा हूँ कि वाईफाई निकालने के बाद हमने सही तरीके से निकाला है कि नहीं निकाला है। फोन चालू हो गया हमारे यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, और जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इस फोन में बैटरी उतर रही थी, उसने मार्केट में दिखाया था तो उसका मार्केट को सलूशन नहीं मिल पाया, जिन लोग आईफोन बनाने बैठ तो जाते हैं पर उसको सही नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, और प्रॉपर नॉलेज कैसे आएगा, सिर्फ खाली सीपीयू निकालना लगाना प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, फॉल्ट फाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखा है यहाँ पे मैंने पूरा हाफ शॉर्टिंग जो लीकेज था इसको मैंने निकाला, और इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया, पूरा वीडियो मैं वाईफाई लगा के चालू भी कर सकता हूँ, बट आपको यहाँ क्लास में आओगे और देखोगे, देखिए इधर आइए देखिएगा, ये टच भी वर्किंग है इसका, और स्टूडेंट का मोबाइल है, पासकोड लगा हुआ है जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, तो थैंक यू वेरी मच ये देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे से भी एक्सपर्ट, मेरे से भी अनुभवी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमारे सैयद सर हैं, वो आपको सिखाएंगे कैसे आपको ट्रेन होना है, वो आपको पूरा स्कीमेटिक, वो उसमें मैं आपके साथ दूंगा पूरा, आपको थ्योरी लेवल पे या उसके स्कीमेटिक में कैसे